सभी को नमस्कार। मैं कविता दुआ करनाल से पॉलिटिकल साइंस लेक्चरर स्वागत करती हूँ आपका प्लस टू पॉलिटिकल साइंस की क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं, हम लेसन समकालीन दक्षिण एशिया पर चल रहे थे। लेसन का आज हम आखिरी भाग बनाने जा रहे हैं। अब तक हमने भारत और उसके पड़ोसी देश जैसे कि नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, म्यांमार, पाकिस्तान के साथ भारत के संबंधों के बारे में जाना। आज का जो भाग है उसमें हम देखेंगे सार्क, जो कि सात एशियाई देशों का संगठन है। इसकी स्थापना 1985 में की गई आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, लेकिन वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 8 है। अफगानिस्तान इसका 8वां सदस्य देश है। तो आइए जानते हैं आज हम सार्क के बारे में। सार्क, जिसे दक्षिण एशियाई देशों का सहयोग संगठन के नाम से भी हम जानते हैं, तो चलिए देखते हैं इसे। देखिए, जो सार्क है, दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन, इसका पूरा नाम है। ये 8 देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। जो इसके सदस्य देश हैं उनकी संख्या 1.5 अरब है, और ये किसी भी क्षेत्रीय संगठन की तुलना में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला संगठन है। तो इसकी जो स्थापना है उसको विदेश मंत्रियों की जो पहली बैठक हुई वो 1 और 2 अगस्त 1983 को 7 देशों के विदेश मंत्रियों ने नई दिल्ली में बैठक की, और जो इसका प्रथम सम्मेलन हुआ वो था 7 और 8 दिसंबर 1985 को ढाका में। तभी से इसकी औपचारिक रूप से स्थापना हुई है। तो अगर आपसे पूछा जाए सार्क संगठन की स्थापना कब हुई, तो आपका आंसर है 7 और 8 दिसंबर 1985। तो इसके 8 सदस्य देश देखिए कौन कौन से हैं: भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान। लेकिन अप्रैल 2007 को जब इसका 14वां शिखर सम्मेलन था तो अफगानिस्तान इसका 8वां सदस्य देश बन गया। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि इसके संस्थापक सदस्य, तो 7 हैं और वर्तमान में सदस्य संख्या इसकी 8 है। तो चलिए अब हम देखते हैं इसे बनाने के उद्देश्य क्या थे। सबसे पहला उद्देश्य देखिए, दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए, उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। क्षेत्र में आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, सांस्कृतिक विकास में तेजी लाने के लिए, और सभी व्यक्तियों का स्वाभिमान के साथ रहने, अपनी पूरी क्षमता का एहसास कराने के अवसर प्रदान करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। दक्षिण एशिया के देशों के बीच आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने और मजबूती प्रदान करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। आपसी विश्वास को बढ़ाने के लिए, एक दूसरे के प्रति समझ को बढ़ाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। ये इसका चौथा उद्देश्य था। आर्थिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, सामाजिक और वैज्ञानिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग को मजबूत करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। आपस में साझा हित के मामलों पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों में सहयोग देने के लिए इसकी सहयोग को मजबूत करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। समान लक्ष्य और उद्देश्य के साथ अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के साथ सहयोग करने के लिए इसकी स्थापना की गई। तो देखिए, ये तो इसकी स्थापना के उद्देश्य थे। अब हम देखते हैं कि उसके अब तक 19 सम्मेलन हुए हैं, तो उनका मुख्य उद्देश्य क्या क्या रहा है। देखिए, जो पहला शिखर सम्मेलन था उसका उद्देश्य
आपस में सहयोग को बढ़ावा देना था। जब इसका दूसरा शिखर सम्मेलन हुआ 1990 में, तो उसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना, माता और शिशु को पोषाहार देना, साफ और सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था करना इसका लक्ष्य रखा गया। जब तीसरा शिखर सम्मेलन हुआ तो उसमें आतंकवाद को समाप्त करने पर समझौता हुआ, खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने के लिए के भंडार को बनाने के लिए इसके ऊपर चर्चा की गई, पर्यावरण की रक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। देखिए, जब चौथा शिखर सम्मेलन हुआ तो उसे बालिका वर्ष 1989 को मनाने के लिए कहा गया, परमाणु निशस्त्रीकरण का निर्णय भी लिया गया। इस क्षेत्र का कोई भी देश इसका सदस्य बन सकता है, एक ऐसा घोषणा पत्र रखा गया। उसके बाद जो इसका शिखर सम्मेलन हुआ तो उसमें इसी तरह के अनेक प्रयास किए गए ताकि इन देशों के बीच में आपस में सहयोग बढ़े, व्यापार बढ़े, राजनीतिक संबंध अच्छे हों, व्यापारिक संबंध अच्छे हों, सांस्कृतिक संबंध अच्छे हों, उस सब के लिए प्रयास किए गए। आतंकवादी गतिविधियां कम से कम हों। तो देखिए, अब तक इसके 19 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। तो चलिए एक और हम जान लेते हैं कि भारत की भूमिका। देखिए, भारत इसका संस्थापक सदस्य है, भारत इसे सबसे ज़्यादा वित्तीय सहयोग देता है। उसके अलावा जो व्यापार मेले हैं उसका आयोजन भी भारत में किया जाता है। भारत ने सार के साथ द्विपक्षीय मुक्त व्यापार पर भी प्रस्ताव पर भी हस्ताक्षर किए हैं। भारत नेपाल और भूटान के साथ भी मुक्त व्यापार कर रहा है। तो भारत इसे हर तरह से अपना सहयोग दे रहा है। आइए अब हम देखते हैं इस लेसन के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न। देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न है, जैसा कि आप जानते हैं लेसन का नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। तो जो पहला प्रश्न है, दक्षिण एशिया से आप क्या समझते हैं? दूसरा प्रश्न जो इसका बनेगा, सार्क की स्थापना पर एक टिप्पणी लिखी, सार्क के उद्देश्य क्या थे? सार्क देशों की चार समस्याएं बताइए। देखिए, समस्याएं क्या हैं एक बार हम वो जान लेते हैं। भारत और पाकिस्तान के कटु संबंध है जो कि इसमें रुकावट पैदा करते हैं। सार्क के सदस्य देश जो हैं वो भारत जैसे बड़े देश पर विश्वास नहीं रख पा रहे। सार्क के अधिकतर देशों में आंतरिक अशांति और अस्थिरता है जो कि इसमें रुकावट बनती है। सार्क के देशों में अधिक मात्रा में अनपढ़ता, बेरोजगारी और भुखमरी पाई जाती है जो कि इसकी सफलता में बाधक बन रही है। तो ये सारी उसकी समस्याएं हैं। चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न इस लेसन में से कौन सा बनता है? देखिए, अगला प्रश्न जो बनेगा वह भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के कारण बताइए। उससे अगला प्रश्न, जितने भी देखिए हमने पड़ोसी देश देखे थे, भारत बांग्लादेश में तनाव के कारण, भारत और जो हमारा अगला पड़ोसी देश है श्रीलंका, उसमें तनाव के मुद्दे, भारत सरकार किन कारणों से बांग्लादेश सरकार से अप्रसन्न रही है उसके कारण बताएं। देखिए, हमने ये सारे प्रश्न इन लेसन की जो डिफरेंट पार्ट बनाए हैं उसमें सॉल्व किए हुए। उसके अलावा देखिए कुछ और प्रश्न हैं। शांति सेना क्या थी? बांग्लादेश की स्थापना कब हुई? दक्षिण एशिया में शांति स्थापित करने के दो उपाय लिखिए। सीमा पार ये आतंकवाद पर नोट लिखी। भारत और नेपाल के संबंधों पर चर्चा कीजिए।
फरका समस्या किन दो देशों के बीच में है? तो ये सारे आपके इस लेसन के इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं जो कि हमने डिफरेंट पार्ट्स में देख लिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।